नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं मैदे का पिज्जा बनाने बता रही हूँ। चलिए आइए देखते कैसे बनाते हैं। आज हम मैदे का पिज्जा बनाना सिखाएंगे। उस दिन हमने बनाया था पहले सूजी का, ये मैदे का है, मैदे में यही बनेगी। ये अपन लाल वाली चटनी बनाते हैं, जो सॉस बनाते हैं लाल, वो उसके लिए है। और मैदे की भी अपन चीज़ बनाएंगे, जो चीज़ बाजार जैसी लगेगी। मैदे का सफ़ेद सॉस बनाएंगे। और ये मिर्ची है, चार पाँच छः मिर्ची होंगी। ये देख, एक अदरक का टुकड़ा है और ये पूरी लहसुन है। इससे क्या खुशबू आती है, इसलिए इसको डालते हैं। एक प्याज है, दो ये, इसकी हम सॉस बनाएंगे इसका। और इसको आटे में मारेंगे, तो इस आटे को मारने में दही और ये इनो, बस इतना ही लेना है, ये आधे चम्मच से भी कम। ये मैंने लिया हुआ है, ये इसमें इनो डालेंगे और 2 चम्मच दही डालेंगे, 2 चम्मच तेल डालेंगे, या रिफाइंड हो आपके पास रिफाइंड डाल सकते हो, थोड़ा सा नमक और थोड़ी आधी चम्मच शक्कर बस। और उसको मार लेना है सादा पानी में। अब आइए मैंने देखते हैं ये इसको सब कैसे कुछ मार मिला सकते लिया हैं। है, मिला के आटा माट रहे हैं। वो कुछ इस तरह से ये मड़ेगा, ज़्यादा मतलब गीला भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं। अब ये मड़ गया, बस अपनों को ऐसे ही उठा के 1 घंटे के लिए रख देना है। फिर ये फूल जाएगा तो दोबारा इसको सही करना है। तब तक हम अपनी वो सॉस बना लेते हैं टमाटर का। सारा कुछ मिक्स कर दिया है, 2 टमाटर काट के डाल दिए। और अब ये थोड़ा सा पानी डाल दिया है, जिससे ये थोड़ा हल्का फुल्का गर्म हो जाए, और ठंडा होने पर मिक्सी में पीस के इसका सॉस तो बनाएंगे। देखो, अब व्हाइट सॉस बनाएंगे मैदा से। ये हमने आधा चम्मच लिया है मैदा, बस एक बार के पिज्जा में जो हो जाए। इसको मैंने तेल डाला है आधा चम्मच, जिसमें ये भुजी जाएगा मतलब। और इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल देनी है, ये आधा चम्मच के बराबर, और थोड़ा आधा चम्मच के बराबर नमक डाल देना है, और ये 1 कप दूध डाल देना। ये देखिए, धीरे धीरे करके इसमें गुठ देना पड़ेंगे। हमारा तो 1 कप दूध चला गया। अब ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा बहुत पानी डालेंगे इसमें। और ये गुठलियाँ जितनी भी इसमें हो रही है ना, सारी गुठली फोड़नी पड़ेंगी। इस तरीके से फोड़ते रहिए और इसको पकने दीजिए। ये देखिए, इस तरीके से इसकी सारी ये गुठलियाँ हैं ना, ये सब फोड़ते रहिए, क्योंकि मैदा में गुठलियाँ पड़ जाती हैं। और अब इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे, जिससे ये अच्छे से पक जाएगा। थोड़ा ना ज़्यादा गाढ़ा बनाना है हमको, ना पतला। ये चीज़ लाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मार्केट से, चीज़ वाला काम करेगी ये वाइट सॉस, और वही स्वाद आएगा जो मार्केट से अपन चीज़ ला के डालते हैं। चीज़ वाला इसमें स्वाद आएगा, महसूस भी नहीं होगा आपको कि इसमें चीज़ नहीं डली है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप घर में चीज़ ना हो तो आपको फिर मार्केट जाना नहीं है, तो कोई बात नहीं। आप व्हाइट सॉस बनाइए और इसको चीज़ वाला काम ये करेगा। अब ये पकने तो 2 मिनट के लिए, तब ये बन जाएगा तो फिर चीज़ हमने हमारी बना। बन के तैयार हो गई है इस तरह से। ये बस इधर चीज़ बन गई है, और दूसरे में ये भी हमारा ये गरम हो गया है, ये खुल गया। अब इसको थोड़ा ठंडा हो, ये देखो धुआं निकल रहा है। ये भी हमारा बन के तैयार हो गया। अब इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे, फिर दोबारा से इसी में सॉस बनाएंगे। ये देखो हमारा सॉस बन रहा है टमाटर सॉस। अब इसमें हम इस तरीके से पीस लिया हमने मिक्सी में। अब इसमें कलर के लिए लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि थोड़ा नमकीन लगे, आधा चम्मच। ये थोड़ा इतना सा गरम मसाला बाकी। अब इसको हम बनने देते हैं। 5 मिनट पकेगा ये, कलर छोड़ेगा, 5 मिनट बाद बन जाएगा। सॉस बन के तैयार, हमारे दोनों सॉस बन के तैयार हो गए। तब तक ये देखिए हमारा आटा भी तैयार हो गया है, ये फूल के ऐसा हो गया है। अब इसको हम दोबारा से ऐसे ही संभाल रहे थे, और अभी ओवन में रख देते हैं, बाटी वाले ओवन में रखेंगे हम। देखिए इसको हमने इसमें फैला लिया है मैदे का। अब इसमें चम्मच से इस तरह से
करती पूरे में। इसलिए कि ये फूलेगा नहीं। अब हमने इसमें नीचे तेल लगा लिया। अब इसमें ये सॉस बनाया था वो डाल देते हैं अच्छे से पूरे में फैला देंगे इसको। ये हमारा सॉस जो लाल वाला था टमाटर सॉस वो पूरा डल गया है। ये देखिए अब हमने ये व्हाइट वाला सॉस बनाया था थोड़ा सा ये भी डाल देते हैं पूरे में फैला देते हैं इसको भी। और अब इसके ऊपर आप चाहो तो अलग से चीज भी डाल सकते हैं। ये देखिए चीज भी ऐसे। इससे क्या है आप लाओ तो ठीक ना लाओ तो भी ठीक, इससे थोड़ी और फिनिशिंग और अच्छा देखने में लगेगा। हमने ये घिसने वाली चीज ही लानी चाहिए इसमें। हमारा हो गया। अब जब तक ये सारा करके सब चीज आप थोड़ी सी ये अपने मिर्ची ये कूट लिए बारीक थोड़ी थोड़ी जो कूट के मिर्ची इसके ऊपर से ये और डाल दीजिए। ये देखिए बस अपना अब 40 मिनट के लिए हम इसमें रख देते हैं बंद करके तेज आंच पे। जो ये पिज्जा हमारा बनके तैयार हो गया। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब इसको हम काटेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।